दिल्ली के मशहूर मटर कुलचा बनाने के लिए पहले हमें इस वाइट मटर को ओवरनाइट सोक करना है। मैंने एक कप भिगोए थे, ओवरनाइट सोक करने के बाद ये डबल हो गए हैं। अब इसका सारा पानी ड्रेन आउट करेंगे, कुकर में डालेंगे और अब हम इसके अंदर इतना ही पानी डालेंगे कि सारे चने अच्छे से भीग जाए और आधा से एक इंच पानी इसके ऊपर रहे। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। तेज आंच पे एक सीटी लगवाएंगे और एक सीटी आने के बाद इसको सिम गैस पे हम 20 मिनट और पकाएंगे। 20 मिनट बाद जब सारा प्रेशर निकल जाएगा, कुकर का ढक्कन खोलेंगे। देखिए एकदम से ये अच्छे से गल गए हैं और इनका छिलका भी अलग हो गया है। यही इसकी पहचान है कि अच्छे से गल चुके हैं। कुलचे का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 बड़े चम्मच दही, 1 चम्मच मीठा सोडा, स्वाद अनुसार नमक और आटा को गूंदने के लिए हमें थोड़ा सा सोडा चाहिए। थोड़ा थोड़ा सोडा डालते हुए ढीला सा हम डो तैयार कर लेंगे। डो को ज़्यादा टाइट नहीं गूंदेंगे, गीले कपड़े से कवर करेंगे। थोड़ी सी इमली को गर्म पानी में डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। छोले में मिक्स करने के लिए अब हमें चाहिए चॉप्ड अनियन, टमाटो, इमली का पेस्ट, धनिया की चटनी, नींबू, हरी मिर्ची और धनिया। अब जितने चने हमें तैयार करने हैं उनको एक बाउल में निकालेंगे, उसमें चॉप्ड अनियन मिलाएंगे, टोमेटो, चॉप धनिया, ग्रीन चिली, स्वाद अनुसार नमक, नमक हमने चने में पहले भी डाला है, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, 2 से 3 चम्मच इमली का पेस्ट और थोड़ा सा नींबू का रस और लास्ट में थोड़ी सी धनिया की चटनी। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाएंगे। मटर कुलचा के मटर एकदम रेडी हैं। कुलचा बनाना स्टार्ट करेंगे। एक लोई लेंगे, सूखा मैदा डालेंगे। चाहे तो आप उसे लंबा भी बेल सकते हैं और चाहे तो आप उसे गोल भी बेल सकते हैं। इसी तरह से अपने सारे कुलचे बेल लेंगे। तवा रखेंगे गरम करने के लिए। जब वो गरम हो जाएगा अपना कुलचा डालेंगे। गैस को सिम पे करेंगे और जब इसमें एक तरफ से बबल आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसको पलटेंगे। एक किचन क्लोथ से हल्का हल्का दोनों तरफ से दबाते हुए हम उसे अच्छे से सेक लेंगे। कुलचा एकदम रेडी है। अगर आप तिल लगा के या कलौंजी लगा के कुलचा बनाना चाहते हैं तो पहले कुलचे के ऊपर हम गीले हाथ लगाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा तिल डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और इसको हल्के हाथ से दोबारा से बेल लेंगे। बस मीडियम गैस पे उसको अच्छे से सेक लेंगे। मेरे 2 कटोरी मैदा से काफ़ी सारे कुलचे बनकर रेडी हैं। कुलचे सर्व करने से पहले हम एक पैन को गरम करेंगे, उसमें थोड़ा बटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और अपने कुलचे डालेंगे, उसमें अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दिल्ली के फेमस मटर कुलचा बहुत ही आसान तरीके से आधे घंटे में तैयार होने वाले एकदम रेडी हैं।